भाई आज बात करेंगे रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स की मोदी जी के साथ। स्वागत कीजिए मोदी जी का। दोस्तों, मोदी जी आज कोई दोस्तों वोस्तों नहीं, यूट्यूब और ट्विटर पे दुश्मन बने हुए हैं आज आपके सारे। क्या कसूर है? क्या कसूर है आपको नहीं पता? आप मुझे बताइए। कसूर ये है कि रेलवे के स्टूडेंट पिछले 2 साल से एग्जाम का वेट कर रहे हैं और एसएससी का रिजल्ट पिछले 9 महीने से नहीं आया। यही वजह है, हाँ बिल्कुल यही वजह है। आपको पता आजकल स्टूडेंट्स का क्या हाल है? इंतजार करते करते थक गए थे। अब कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? आपको पता ये वैकेंसी कब आई थी? लोकसभा चुनाव के समय हाँ लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में। लोकसभा चुनाव भी हो गए, आप जीत भी गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन अभी तक रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम छोड़ो, ये तक डिसाइड नहीं हुआ कि एग्जाम लेगा कौन। जब एग्जाम करवाना ही नहीं था तो भर्ती के फॉर्म क्यों निकलवाए? वोट बैंक की राजनीति कभी वोट बैंक की राजनीति और कभी कोरोना का बहाना। क्या करना चाहती है सरकार? कि किसी तरह और 1-2 साल के लिए ये मामला टला दिया जाए, टाल दिया जाए। बस 1-2 साल, यहाँ तीन तीन चार चार साल हो जा रहे हैं। एसएससी का एग्जाम 2017 में हुआ था, 2021 आने वाला है, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्या चल रहा है ये सब? रोड़े अटकाना, यही चल रहा है। कब तक रोड़े अटकेंगे? मन की बात में आप कुत्तों के बारे में बात करते हैं, खिलौनों बनाने के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में आप बात क्यों नहीं करते हैं? उन समस्याओं की बात मैं करना नहीं चाहता। क्यों बात नहीं करना चाहते? यहां एक बेदर्द, एक ऐसी सरकार बैठी है जिसे आपकी परवाह नहीं है, आपकी जिंदगी की परवाह नहीं। लेकिन अब स्टूडेंट्स ने अपने दर्द का इलाज ढूंढ लिया है। वो जो आपका मन की बात वाला वीडियो था, कल तक उस पे 7 लाख डिसलाइक हो चुके थे, आज आज तो मुझे लगता है 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। देखा ना कैसे बढ़ रहा है। जी हाँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस तेजी से बढ़ता रहा तो आप आलिया भट्ट को भी फेल कर दोगे डिसलाइक के मामले में। पी लीजिए पानी पी लीजिए। कैसा लग रहा है ये डिसलाइक के आंकड़े देखकर? ऐसे ही आंकड़े आते हैं, चले जाते हैं। नहीं, इस बार आने जाने वाला काम नहीं लग रहा मुझे, ये बहुत सीरियस लग रहा है। वैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को कुछ गलत लगता है तो वो यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियोस को डिसलाइक कर देते हैं विरोध करने के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लाख लाख बधाई देता हूं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोचा है, उनके विजन के लिए बधाई देता हूं। और ये ट्विटर पे स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग से कैंपेन चल रहा है, आपको कैसा लगा? ऐसा माहौल कई लोगों की नींद उड़ा रहा है। अभी भी ये एग्जाम होंगे या नहीं? फिर तेजी से काम चल रहा है। देखिए, मैं नीट और जी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो सबको पता है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से रेलवे के स्टूडेंट्स एग्जाम का वेट कर रहे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। ऐसे चलता रहा तो कब तक होगी ये भर्ती कंप्लीट? 2030 तक का। तो ठीक है फिर, 2030 तो बहुत दूर है, बीच में 2024 भी आएगा। कैंपेन चला ही रखा है ट्विटर पे स्टूडेंट्स ने। वैसे आप प्रधानमंत्री ना होते, एक आम नागरिक होते तो इस कैंपेन के बारे में क्या कहते? राष्ट्रहित के भाव को बुलंद रखने के लिए आपके इस जोश और जुनून को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। ये जो कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम्स, इसका कोई फायदा होगा या नहीं? साथियों, जब सही मायने में व्यवस्था का, परिवर्तन का जज्बा मन में होता है तो बड़े संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। तो भाइयों बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को टैग कीजिए। और जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, आप भी जाके उसका हिस्सा बनिए। थैंक यू।